हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के सिलेबस 2022 के लिए कंप्यूटर पेपर से। इससे पहले मैंने आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईबीएस के क्लास फर्स्ट के सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ, और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अवश्य देखिए। और चैप्टर वाइज मैं वर्कशीट भी लेकर आऊँगी, जिससे कि आप सिलेबस कवर करवाते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकें। तो चलिए आज का सिलेबस देखते हैं। इनके सिलेबस कंप्यूटर्स में 6 टॉपिक्स बताए जाते हैं। ये एक सीबीएसई स्कूल का सिलेबस है। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंतर्गत बच्चों को बताया जाता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, फिर नो डैट मशीन आर मैन मेड थिंग्स, नो डैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर इनका हो जाता है कंप्यूटर पार्ट्स। इसके अंतर्गत बच्चे जानते हैं इसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर फॉर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। साथ ही सम अदर पार्ट्स जैसे प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्पीकर एंड हेडफोन, इसके बारे में भी इन्हें बताया जाता है कि ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है इनका यूजेस ऑफ कीबोर्ड। इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफरेंट टास्क, यानी डिफरेंट टास्क को कंप्यूटर कैसे पूरा करता है और डिफरेंट यूज़ क्या होता है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 4, द माउस। इसके अंतर्गत इन्हें बच्चों को बताया जाता है माउस क्या होता है एंड इसके बटन्स के बारे में, इट्स बटन, अबाउट माउस एंड इट्स बटन। देन इन्हें बताया जाता है अबाउट द होल्डिंग ऑफ द माउस, यूज ऑफ माउस, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। देन नो अबाउट द ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ द माउस। नेक्स्ट टॉपिक इनका हो जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंतर्गत ये जानते हैं नो अबाउट द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड नो अबाउट अल्फाबेट की, नंबर्स की एंड सम स्पेसेस की। एंड लास्ट टॉपिक इनका हो जाता है पेंट। इसमें बच्चों को बताया जाता है नो अबाउट पेंट प्रोग्राम, ओपन पेंट, यूज ऑफ ड्राइंग टूल्स, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। इसके बाद ही इन्हें चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, जिससे कि हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके अंतर्गत इन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाते हैं, फिर देन द सी पिक्चर एंड कंप्लीट वर्ड, एक पिक्चर दिया जाता है जिसमें पिक्चर्स के नेम को लिखा जाता है और बीच में कुछ लेटर को मिसिंग कर दिया जाता है, तो उन्हें बोला जाता है इस लेटर को कंप्लीट करके पिक्चर के नेम लिखे। जैसे माउस का पिक्चर दिया गया है तो माउस के पूरे लेटर न लिखकर बीच में 2-3 लेटर छोड़ दिए जाते हैं और बच्चों को कंप्लीट करने कहा जाता है। इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर नेक्स्ट हो जाता है लुक एट पिक्चर एंड राइट द नेम। फिर इसमें कुछ पिक्चर्स कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, इनके पिक्चर्स रहते हैं, बच्चों को पहचान कर उसके नाम लिखने होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन इन्हें रहते हैं टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को पढ़ कर जो ट्रू है उसे टिक करना है और जो रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है, जो कि इस तरह के स्टेटमेंट बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, जिसमें वर्ड दिए रहते हैं उसी के अंदर वर्ड को ही फिल इन द ब्लैंक्स में चूज करके लिखना रहता है, कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ड फिट होंगे। नेक्स्ट इन्हें मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग इन्हें इमेज के द्वारा भी करना होता है और या फिर सेंटेंस या वर्ड के द्वारा भी, कि जैसे माउस है तो उसका फंक्शन क्या है, कीबोर्ड है तो इसके क्या फंक्शन है, इस प्रकार के भी मैचिंग रहते हैं, या फिर माउस का इमेज दे दिया गया और उसका फंक्शन लिखा रहा तो उससे मैचिंग करना, इस तरह इन्हें करवाया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है आंसर इन वन वर्ड, यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके वन वर्ड में जवाब देने होते हैं। और लास्ट होता है आंसर द फॉलोइंग, फिर आंसर द फॉलोइंग भी इन्हें करवाया जाता है जो मोर देन वन लाइन एंड वन हाफ लाइन में इन्हें सेंटेंस कंप्लीट करना रहता है। तो ये था कंप्यूटर का सिलेबस क्लास फर्स्ट के लिए। आई थिंक आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कंप्यूटर से रिलेटेड
बहुत सारे वर्कशीट एंड ओलंपियाड एग्जाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं ये टॉपिक पे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आई बटन में भी दे दूंगी। तो प्लीज़ उसे भी आप देखें, जो आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवाने में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।